इंद्री के गांव जनेश्वर में परंपरागत खेती से जहां किसानों को 50 से 60 हजार रूपए प्रति एकड़ की आमदनी होती है, वहीं आजकल किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इसमें आमदनी ज्यादा है। किसानों को एक एकड़ खेती में 8 से 10 लाख रूपए तक की बचत हो जाती है। सरकार की तरफ से भी किसानों को पॉली हाउस लगाने के लिए 65% तक सब्सिडी मिल जाती है। वहीं किसानों का कहना है कि गुलाब के फूल चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली तक यहां से सप्लाई किए जाते हैं, जिनके भाव उन्हें अच्छे मिलते हैं। मेरा नाम जरवर है जी। ये खेती पॉली हाउस में करते हैं जी, ये बाहर नहीं होती। ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़, इनमें सप्लाई होता है जी, और पॉली हाउस में ही पैदा होती है जरबरा। और कौन कौन से कलर है इसके अंदर? इसमें येलो, पिंक, वाइट और संतरी। सर लागत तो ये पूना से लेके आए थे जी हम, टीशू कल्चर, इस छोटे छोटे पौधे इसके लेके आए थे जी, इसमें कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा है। मुनाफा बहुत है जी इसमें, बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, अब किसानों को क्या रुझान है, किसकी ओर ज्यादा रुझान बढ़ रहा है? फूलों की तरफ ज्यादा रुझान है जी, फूलों का खर्चा कम है जी, आमदनी बहुत ज्यादा है जी। हाईटेक पॉली हाउस के आधे एकड़ में लगाने पर 28 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसमें 18 लाख की सब्सिडी किसानों को सरकार के द्वारा दी जाती है।